हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है, और डेटा ड्रिवन अप्रोच और एक मेथडोलॉजी है जिसकी जो कि एलिमिनेट करती है डिफेक्ट को और इम्प्रूव करती है प्रोसेसेस को, और ये रिड्यूस करती है वेरिएशन को और इम्प्रूव करती है ये प्रोसेस की कैपेबिलिटी को। अब इसके अंदर अब इसके की प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। तो ये इसका पहला प्रिंसिपल है कि ये फोकस करती है डिफेक्ट के रिडक्शन पे। तो ये अचीव करती है फोकस करती है रिडक्शन डिफेक्ट रिडक्शन पे। तो ये नियर परफेक्ट क्वालिटी को अचीव करती है सिक्स सिग्मा, और ये रिड्यूस करती है प्रोसेसेस को, और ये प्रोसेसेस में डिफेक्ट को भी रिड्यूस करती है। अब इसकी दूसरी मेथडोलॉजी है DMAIC मेथडोलॉजी। इसमें पहला आता है डिफाइन। तो डिफाइन में आता है कि हु इज़ द कंज्यूमर, हु इज़ द कस्टमर, के कस्टमर कौन है और कस्टमर की नीड्स क्या हैं। फिर सेकंड आता है इसमें मीजर। तो मीजर में आता है कि कैसे प्रोसेस को डिफाइन किया जाएगा और डिफेक्ट्स को मीजर किया जाएगा। थर्ड आता है इसमें एनालाइज। तो एनालाइज में आता है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट कॉज होते हैं डिफेक्ट के। फिर आता है कंट्रोल, फिर आता है इम्प्रूव। एनालाइज के बाद आता है इम्प्रूव। तो इम्प्रूव में आता है कि कैसे के क्या कॉज हैं डिफेक्ट के और उन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। और फिफ्थ आता है कंट्रोल, क्या एक्शन लेने चाहिए इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है इसका डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो ये यूज़ करता है सिक्स सिग्मा यूज़ करता है एक स्टैटिस्टिकल टूल का और टेक्निक का, जिसकी वजह से एनालाइज किए जा सकते हैं और इम्प्रूव किए जा सकते हैं प्रोसेस को। फोर्थ है कि ये प्रोजेक्ट बेस अप्रोच होता है। इसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और एक डिफाइन ऑब्जेक्टिव के साथ और मैट्रिक्स के साथ, ताकि अचीव कर सकें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को। फिफ्थ है क्रॉस फंक्शनल टीम। तो ये इम्प्रूव करता है फंक्शनल टीम्स को, क्रॉस फंक्शनल टीम को ये इन्वॉल्व करता है और ड्राइव करता है कि उनके अंदर कि उन प्रोसेसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आए और अचीव कर सकें मीजरेबल रिजल्ट को। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं सिक्स सिग्मा की। तो सिक्स सिग्मा जो है ये एम करता है कि ये अचीव कर सके प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट ला सके, ये प्रोसेस में कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और इंक्रीज़ कर सके ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। और ये फोकस करता है की मैट्रिक्स के ऊपर और सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करता है ये डिफेक्ट और इनएफिशिएंसीज को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।